of leadership is that you need to have vision. You cannot blow an uncertain chunk, unquote. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे मिजाज हैं आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अगर आपने क्यूरेटर्स को अभी ज्वाइन किया है तो वेलकम टू क्यूरेटर्स। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना है ताकि मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के तहत चलने वाले प्लेटफॉर्म की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल होता रहे। तो जनाब, लास्ट वीडियो में जो आपसे बात की थी कि हम एक सीरीज ऑफ वीडियोस शुरू कर रहे हैं ऑन फंडामेंटल राइट्स, स्पेशली व्हेन यू लिव इन अ सोसाइटी, व्हेन यू लिव इन अ कंट्री, यू नीड टू हैव आइडिया कि आपके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। तो हमने इक्वालिटी पर बात की थी, आप लोगों ने बहुत पसंद किया उस वीडियो को, इसका बहुत शुक्रिया। तो आज उसी सिलसिले की एक कड़ी है ये वाली वीडियो भी, जिसमें हम बात करेंगे कि राइट टू एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है, तालीम कितनी इम्पोर्टेंट है, और इसका जो हक हर शहरी का बुनियादी हक है वो क्यों कर है, और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लॉ व्हाट डज इट स्टैंड्स फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। इससे पहले कि मैं अपने गेस्ट का आपसे तारुफ कराऊं, दो तीन चीजें आपको जरूर बताना चाहूंगा एजुकेशन के हवाले से, व्हाट वेयर वी स्टैंड, ताकि हम सिचुएशन को जब आगाज करें बात करना ज्यादा आसानी हो सके। हमारे यहाँ जनाब पाकिस्तान में जो तालीम का बजट का कुल मिला के 2.5% हिस्सा आपके एजुकेशन पे खर्च किया जाता है, उसका नतीजा ये है कि हमारे यहाँ मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन आर अनफॉर्चुनेटली लिविंग बिलो और ऑन द पॉवर्टी लाइन। अब आप अंदाजा कर लें, जब आपके पॉपुलेशन का ये हाल है तो उसको एजुकेशन किस तरह से मिलती होगी, जब आपके बजट का सिर्फ 2.5% हिस्सा एजुकेशन पर खर्च होता है तो किस तरह से एक अंदाजे के मुताबिक 20 करोड़ या 22 करोड़ जो भी हमारी आबादी है, अल्लाह जाने, क्योंकि हमारे यहाँ सेंसस भी जाहिर को इतना अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाता है, तो बारह जो भी है उन लोगों को एजुकेशन किस तरह से मिलती होगी, वो आप सोच सकते हैं। आज इन्हीं तमाम सिचुएशन पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एक मरतबा फिर, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार इनका, आपने लॉ LLB किया है हमदर्द यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ से, हमदर्द स्कूल ऑफ लॉ से, माफ कीजिएगा, और उसके साथ साथ बड़ी जबरदस्त एक्टिविस्ट हैं, और आप इनकी डेडिकेशन का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि दिस इज फॉर द थर्ड टाइम वी हैव इनवाइटेड हर एंड शी बिलीव मी और नॉट डिड नॉट स्पेयर अ मिनट टू से यस आई एम अवेलेबल व्हेन इट कम्स टू एजुकेट पीपल। हमारे साथ हैं मैम जबेरिया यूनुस। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक वकार, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन, और आप जब बुलाते हैं तो यकीन कीजिए ना, जो है ना वो मुंह से चाहे भी तो नहीं निकल सकता, क्योंकि आप मोहब्बत, आपकी डेडिकेशन है कि सामने वाला इंसान जो है वो ना कह ही नहीं सकता। ये आपकी मोहब्बत है। और मैम जबेरिया ने जब बात की है तो, क्योंकि हमने जो कल लाइव सेशन किया था यूट्यूब पर उसको भी मैम ने बहुत सराहा था, तो इसका भी बहुत शुक्रिया। वो पहला सेशन था लाइव और उसको आप लोगों ने भी बहुत सराहा, सो नाइस ऑफ यू फॉर दैट इज वेल। स्टे क्यूरियस फॉर मोर सेशंस। राइट टू एजुकेशन की जब हम बात करते हैं मैम, तो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, स्पेशली जहाँ यंगस्टर्स की बात होती है, आपकी एजुकेशन, सॉरी आपकी पॉपुलेशन का मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन यंगस्टर्स पर है, यूथ पर है, विच इज For us as a nation is a huge pride, but yet unfortunately we are not able to educate them. क्या कहेंगे इसका? हाँ बिल्कुल, जिस तरह से आपने शुरू में कुछ स्टैट्स भी डिस्कस करे, तो 60% जो हमारी पॉपुलेशन का हिस्सा है ना वो अंडर 30 ईयर्स के लोग हैं। अब इतनी साइजेबल, मतलब हमारे जो यूथ की पॉपुलेशन है वो इतनी ज्यादा है कि कुछ यूरोपियन कंट्रीज की टोटल पॉपुलेशन से भी कुछ केसेस में वो ज्यादा है। तो ऐसे में जब आपके पास इतना जबरदस्त ह्यूमन रिसोर्स हो और उसको आप एजुकेट ना करें, उसको आप जॉब्स ना दें, या आप उसको टेक्निकल ट्रेनिंग्स ना दें, तो आप जाहिर है वो इतना साइजेबल क्राउड जो है वो आप जाया कर रहे होंगे, इतना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स। बहुत सारे मुल्कों में तो इस वक्त एजिंग पॉपुलेशन है, हम देखते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, स्पेशली स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, यूरोप में इस वक्त शदीद पॉपुलेशन क्राइसिस है, और हमारे पास ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसको हम इस वक्त बुरी तरह मिसयूज मैं तो कहूंगी कर रहे हैं, क्योंकि अंडर जिस तरह हम कल बात कर रहे थे कि हमने कल बात करी थी इक्वालिटी ऑफ सिटीजन की, और उसी का एक दूसरा पार्ट था 25A, यानी आर्टिकल 25A, राइट टू एजुकेशन, और इस पे हमने ये बात पे खत्म किया था कि राइट टू एजुकेशन इक्वालिटी के साथ इसलिए एसोसिएट किया गया है क्योंकि इक्वालिटी विदाउट अवेयरनेस या एजुकेशन पॉसिबल ही नहीं है ना,
जिस तरह हम कल बात कर रहे थे. इसमें मैं इस राइट को पढ़ना चाहूंगी फॉर जनरल पब्लिक, फिर मैं इसको तर्जुमा भी करूंगी. द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 5 to 16 ईयर्स. ये नोट करने की बात है कि 5 से 16 साल की उम्र के तमाम बच्चों को, तमाम जो शहरी हैं पाकिस्तान के, उनको फ्री एजुकेशन जो है, कंपलसरी और फ्री एजुकेशन जो है वो दी जाएगी. यानी आप समझ लें ये आपका प्रेप से लेके जो है तकरीबन आपकी मेरा ख्याल है ये आपका बनता है सेकेंड ईयर तक, है ना, सेकेंड ईयर तक, या आपका हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो है, ये तमाम सूबों के ऊपर लाजमी है कि ये बच्चों को दी जाए, हर बच्चे को बिला तफरीक जो है ये दी जाएगी. लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ जो टर्म है ना ख्वांदा, ख्वांदा होना या एजुकेटेड होना, उसकी डेफिनेशन ये कि अ पर्सन हु इज एबल टू साइन हिज और हर नेम, ठीक है. और अगर आप, हाँ, और तो अगर ये डेफिनेशन होगी तो इसमें तो फिर मेरा ख्याल है बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है, बहुत बड़ा सवाली निशान बन जाता है कि हमारे पास जो हम ख्वांदगी की शरह जो है वो वैसे ही इतनी थोड़ी, और उसमें से भी अगर हम ये डेफिनेशन इसकी निकालेंगे वो भी आज के दौर में, तो आप सोचिए कि हमारे हम किस कदर पीछे जा रहे हैं, किस कितना रेट्रोग्रेस कर रहे हैं. नो वंडर कि हमारे यहाँ जो देखिए जब एजुकेशन नहीं होगी तो जाहिर है लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन होगी, जॉब्स नहीं होंगी, लोग और तरह की एक्टिविटीज में पड़ जाएंगे. तो अगर हमारी स्टेट इसको इस वक्त सीरियस नहीं लेती तो ये अंदरूनी और खारजी दोनों जो है बहुत बड़ा एक चैलेंज बन सकता है हमारी यूथ की पॉपुलेशन इस वक्त, जो कि हमने पिछले दहाइयों में देखा कि किस तरह से टेररिज्म जो है वो फैलता गया, और उनमें से बहुत सारे जो लड़के और बच्चे थे वो ऐसे थे जो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से भी पढ़े हुए थे और उनको जॉब अच्छा, नहीं मिली. इस तरह इंटरनेशनली एक दो चीज़ें होती हैं जो हमारे यहाँ क्यों नहीं होती हैं. आई विल आस्क योर ओपिनियन कि आपके यहाँ मीडिया है, इंटरनेशनली भी ज़्यादा मीडिया होता है, हर डेवलप्ड कंट्री के अंदर एक चैनल होता है जिसका नाम होता है टेक्निकल एजुकेशन. अच्छा, वो चैनल करता यह है कि वो किसी भी बड़े इदारे का करिकुलम अपने यहाँ नशर कर रहे होते हैं, उसके बच्चों को बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं, उस करिकुलम पर डिस्कशन करते हैं. यानी देर इज अ होल लॉट ऑफ अ प्रोग्राम वेयर गवर्नमेंट इन्वेस्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन. हमारे यहाँ मैंने कुछ मीडिया हाउसेस के लोगों से बात की थी तो उनका ये गिला था कि भाई हम एजुकेशन को प्रमोट जरूर करेंगे, लेकिन आप मुझे बताएं ना हमारे यहाँ गवर्नमेंट किस लेवल पे मीडिया को एजुकेशन के लिए प्रोग्राम देती है, इन्वेस्ट करती है, इन्वॉल्व करती है. तो हम ये भी तो कम से कम कर सकते थे ना, हमने ये भी तो नहीं किया ना. फिर एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूलों पर बाद में आएंगे, लेकिन ये एक वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एरिया में भी गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू इन्वेस्ट, इसकी क्या वजह समझती हैं? गवर्नमेंट की जाहिर है देखिए बजट कंस्ट्रेंट्स जो हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा हैं. आईएमएफ का जो रिसेंट अभी अगर आपने देखा हो जो ऑर्डिनेंस के जरिए इसमें रद्द बदल की गई है, उसमें ये है कि जी अब एजुकेशन तो दूर की बात, बाकी आपका डिफेंस भी दूर, अब आपने सिर्फ और सिर्फ फाइनेंसिंग जो है ना वो उसको अपने अपना कर्जा उतारना, जैसे भी आप मर्जी उतारें, स्टेट बैंक को जिस तरह से कम्प्लीट अथॉरिटी एंड ऑटोनॉमी दे दी गई है. तो बहरहाल इस सब बातों का करने का मतलब ये था कि देखिए गवर्नमेंट के पास भी इस वक्त अब पैसा नहीं है टू इन्वेस्ट इन इट्स ह्यूमन रिसोर्स. अच्छा, अब क्या होता है हमारे यहाँ जो हमारी एनजीओ सेक्टर है उसमें बहुत सारी एनजीओज हैं जिन्होंने कुछ स्कूल्स ले लिए, कुछ टेक्निकल एजुकेशन भी दे रही हैं, लेकिन उनकी जो कैपेसिटी है वो भी लिमिटेड है और उनको भी गवर्नमेंट की सपोर्ट की जरूरत होती है, जो कि कुछ केसेस में गवर्नमेंट देती है और कुछ केसेस में गवर्नमेंट नहीं देती. क्योंकि हमारे यहाँ मसला ये भी है ना वकार, कि एक वडेरा जो होता है वो नहीं चाहता कि उसका जो कमी है या जो उसके खेतों में काम कर रहा है वो उसका बच्चा पढ़ लिख जाए, क्योंकि वो पढ़ लिख जाएगा तो उसके खेतों में हल कौन चलाएगा. तो हमारे जितनी बड़ी रूरल पॉपुलेशन है उसको ये सब भी तो इम्पेडिमेंट्स है ना. और फिर हमारे यहाँ अब हम देखिए तब जैसे हम कल बात कर रहे थे इक्वालिटी की, तबकाती जंग जो है हमारे यहाँ, कि हम नहीं चाहते कि हमारे घरों में जो जो बच्चे काम कर रहे हैं या जो हमारे यहाँ काम वाली काम कर रही हैं उनके बच्चे पढ़ जाएं, क्योंकि हम जो है हम एक कॉम्प्लेक्स में मुब्तला लोग हैं ना. तो जब तक ये इक्वालिटी पे हम दोबारा आ जाएंगे कि जब तक हम अपने अंदर से ये प्रेजुडिस नहीं निकालेंगे ना और दूसरे को भी उतना इंसान नहीं समझेंगे. हर घर में मैं कहती हूँ एक कोई ना कोई एक लड़का लड़की इस काबिल होता है कि छोटे बच्चे को पढ़ा सके. आप क्यों नहीं पढ़ा लेते, आप स्वभाव समझ के उस बच्चे को पढ़ा ले तो मेरे ख्याल है उससे भी बहुत लिटरेसी में फर्क पड़ जाएगा. ब्रिकलिन के अंदर जो 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 लोग बच्चे काम कर रहे होते हैं, जो बॉन्डेड लेबर होते हैं,
उनके बच्चों को पढ़ाना भी कितना बड़ा सदका जारिया हो सकता है. इसके लिए आपको सिर्फ गवर्नमेंट की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, हर शख्स जो है वो उसको पढ़ा सकता है, कुछ घंटे निकाल सकता है. यहाँ हमारे यहाँ इस्लामाबाद में एक फायर वो फाइटर थे, रिटायर हो गए थे, तो उन्होंने क्या किया कि एक पार्क के अंदर जो है ना वो बच्चों को बुलाना शुरू कर दिया. कोई बच्चा फूल बेचता था, कोई गाड़ी साफ करता था, इस तरह के सारे जो स्ट्रीट पे बच्चे फिरते थे उनको लेके बैठ जाते हर शाम को. और बढ़ते बढ़ते वो सिलसिला इतना बढ़ गया कि आई थिंक अब वहाँ पे शायद 55 या 60 बच्चे जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं मुफ्त, और आई थिंक 1 तक वहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं. तो हर इंडिविजुअल भी अगर अपनी जिम्मेदारी ये समझेगा कि आप अपनी कोई कोई फाउंडेशन बना सकते हैं, कोई वेलफेयर एनजीओ बना सकते हैं, या घर में आप 5-6 बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो ये इस चीज से भी जो है वो एजुकेशन मिल सकती है. अब गवर्नमेंट के ऊपर हम तकिया करना मेरा ख्याल है हमें कम करना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट अब हमें नहीं जो है वो शायद अफोर्ड कर सकती, या अब उसके पास वो रिसोर्सेज भी नहीं है कि वो ये सब चीज़ें दे सके. और जहाँ तक बात है टेक्निकल एजुकेशन की, तो उसके बारे में जो है उसके हवाले से देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी यूथ, अब मैं अपनी यूथ से बात करना चाहूँगी कि आजकल के दौर में देखिए यूट्यूब बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, हर शख्स के हाथ में मोबाइल फोन है, हर शख्स के हाथ में स्मार्टफोन है. आपको जो भी चीज सीखनी है आपको एक यूट्यूब की वीडियो ही तो चाहिए. आप उससे अब अपने लिए बहुत सारी चीजें सीख कर सकते हैं. और अब मैं माशाल्लाह वकार को देखती हूँ, तो आई थिंक हम उनसे कितनी सारी इंस्पिरेशन जो है हासिल कर सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने डिस्पाइट ऑल हिज हर्डल्स ही मैनेज टू कम दिस फार. तो यूथ जो है हमारी उसके पास बहुत पोटेंशियल है, और उसको इट्स अबाउट टाइम कि वो इसको अब उजागर करें और उसको आगे लेके बढ़ें. सही कह रही हैं आप. और अभी जब मैंने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पर एक गेस्ट थी हमारे साथ, मेरी टीचर ही हैं, जब उनसे बात की तो उन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया था कि हमारे यहाँ को पता है प्राइवेट इदारों के अंदर भी एक अजीब सा मामला है ना, जो अमीर का बच्चा होता है वो कैम्ब्रिज के सिस्टम में पढ़ता है, जो गरीब का बच्चा होता है वो अलग सिस्टम में पढ़ता है. और हम आपके यहाँ एजुकेशन के सिस्टम्स भी अल्लाह माफ करे कितने सारे हैं, मुझे गिनना पड़ेंगे, मेरा ख्याल है कोई 10-15 बोर्ड तो होंगे अल्हम्दुलिल्लाह. तो यानी अच्छा पहले तो इस पर आप अपनी राय दें कि हम क्या एजुकेशन सेंट्रलाइज करने की तरफ जा सकते हैं. Then I will ask you another very important question. बिल्कुल. और मेरा ख्याल है इस पे कोई बहुत ज्यादा मुश्किल होगी नहीं. अभी मेरा ख्याल है रिसेंटली गवर्नमेंट ने अगस्त से कुछ प्लान तो किया है कि एक करिकुलम फॉर इंटायर पाकिस्तान जो है वो उसको नाफिज करेंगे, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई बहुत डिटेल मैंने नहीं देखी है. बट उम्मीद पे दुनिया कायम है. आई होप कि ये चीज हो जाए और लोग इसको एक्सेप्ट भी कर लें कि हर बच्चा चाहे वो अब देखिए ना इक्वालिटी के लिए और इक्वल ट्रीटमेंट के लिए सबसे जरूरी है कि तमाम लोगों को एक जैसी एजुकेशन मिले, चाहे वो किसी भी तबके से ताल्लुक रखता हो. क्योंकि जब हर बच्चे को एक जैसी एजुकेशन मिलेगी तो हर बच्चे को अपना राइट भी पता होगा, अपना पोटेंशियल भी पता होगा, और ये जो हमारे यहाँ तबकाती निज़ाम है ना उसको भी जो है वो तोड़ने में मेरा ख्याल है बहुत मदद होगी. आप क्या समझती हैं प्राइवेट इदारों का भी इसमें बड़ा अहम किरदार है? जैसे एक सजेशन आई थी उसी इदारे सेशन के अंदर के अगर हर प्राइवेट इदारा 2-3 बच्चों को विदाउट टेकिंग एनी फी एजुकेशन देना शुरू कर दे, क्योंकि जाहिर है आपको पता है जो कैम्ब्रिज सिस्टम के इदारे हमारे हैं उनकी, मैं आपको बताऊं मैं नाम भी लूंगा एक इदारे का, उसकी फी है 45,000 रुपीज सिर्फ उसकी एडमिशन फी है. सोचे 45,000 रुपीज अगर कोई पेरेंट एक बच्चे के लिए देता है, इस 45,000 में मेरे ख्याल 5-6 बच्चों को तालीम दे सकते. और अब तो डॉलर्स में भी है, कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं इस्लामाबाद में, कुछ ऐसे स्कूल्स हैं लो कराची में भी हैं जहाँ पे डॉलर्स में चार्ज होती है. तो अब आप सोचें कि जो पेरेंट्स जो हैं वो ये फीस अफोर्ड कर रहे हैं, अगर वो अपना एक बच्चे को अगर उस स्कूल में ना भेजें, एक एवरेज स्कूल में भेजें, तो मेरा ख्याल है 6-8 बच्चे जो हैं वो आराम से यूनिवर्सिटी तक शायद तालीम हासिल कर लें. लेकिन हमारी प्रायोरिटीज नहीं है ना, हमारी प्रायोरिटीज जो हैं वो शायद कुछ और हैं, क्योंकि हम अपने आप को जो है जाहिर है एक रेस हमने बना ली है ना, जिंदगी को हम एज अ रेस देखते हैं, हम जिंदगी को एज इम्तिहान नहीं सोचते कि यार ये इम्तिहान है फॉर द नेक्स्ट जो हमारा अल्लाह ने रखा होगा, ये हम उसको बस समझते हैं ये रेस है, बस हमने सबसे इसमें आगे निकलना है. लेकिन शायद हमें ये समझना होगा कि हमें सबको साथ लेके चलना है, हमें आगे बढ़ना है लेकिन सबको साथ लेके. जब हम सबको साथ लेके नहीं चलेंगे ना तो हम भी आगे बहैसियत इंसान बहैसियत एक इंडिविजुअल आगे नहीं बढ़ सकते. ये बात समझना जो है ना ये सबसे अहम है, और हर बच्चे के लिए इस वक्त देखिए हमारे यहाँ पढ़ा लिखा बच्चा भी है, बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं, लेकिन हमारे इंसान नहीं है. हमारे यहाँ तालीम जो है ना वो इंसान नहीं पैदा कर रही,
कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी सिस्टम है, कोई भी निज़ाम है, वो इंसान नहीं पैदा करती. हम जो हैं, हमारे शदीद किल्लत है इस वक्त इंसानों की, और एक अच्छे इंसान की, एक मैं कहती हूँ एक बाइखलाक इंसान के. हमारे इखलाक जो है ना, वो बिल्कुल अब ख़त्म हो गया. और किसी भी अच्छे से अच्छे स्कूल में भी हम पेरेंट्स हम बच्चों को भेज के स्कूल, और हम समझते हैं हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, और स्कूल वाले जो हैं वो अपना फी चलान भेज के समझते हैं कि जी, याद दिलाते हैं हमें कि जी आपका बच्चा तो हमारे यहाँ पढ़ता था. तो और फिर वो एजुकेशन सिस्टम के ऊपर भी एक पूरी एक बहस हो सकती है कि किस तरह हमारा बच्चा एक टाइम ट्रैवल करता है. हम अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं उसको 1940 के लिए प्रिपेयर करने को, हालांकि जो 2040 में या 30 में जब भी हमारे बच्चे आगे निकलेंगे जब फील्ड में या जब रियल लाइफ में, तो उनको पता चलेगा कि दुनिया तो बिल्कुल ही अलग है. तो इस वक्त आप देखें ना, एक न्यू ग्रेजुएट कितना लॉस्ट फील करता है. हर फील्ड के अंदर मैं देखती हूँ, हर यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी ग्रेजुएट निकलता है ना, वो इतना लॉस्ट फील करता है कि वो बेचारा कभी कभी कुछ केसेस में मैंने देखा है कि जो है वो बिल्कुल चाहे डिप्रेशन में चला जाता है, बिकॉज उसको उस तरह प्रिपेयर ही नहीं किया गया होता, उसको रियल लाइफ के टूल्स ही नहीं दिए गए होते. ये जनरली हमारे यूनिवर्सिटीज का मसला है. हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज में बहुत यूनिवर्सिटीज हैं, और उसमें से बहुत लोग पढ़ के भी निकलना है, लेकिन उसका नतीजा 0/0 होता है, क्योंकि वो प्रिपेयर्ड ही नहीं होते फॉर द टाइम्स टू कम. हमारे असल में ये भी तो मसला है ना कि एजुकेशन की जाती है फॉर द सेक ऑफ अर्निंग, दैट इज इट. यानी वो एक जमाने में जो एजुकेशन का मतलब होता था ना कि तालीम और तरबियत, हमारे यहाँ तरबियत का लफ्ज मेरा ख्याल है तालीम में से कहीं ना कहीं निकल गया है, क्योंकि आपको पता है आजकल बस ये होता है कि जिस डिग्री की मार्केटिंग वैल्यू है उस डिग्री को बच्चे हासिल कर लेते हैं. अब रिगार्डलेस ऑफ कि उसकी कोई एथिकल वैल्यू हो, मॉरल वैल्यू हो, एक बड़ा लंबा टॉपिक है ये कि हमारे यहाँ मॉरेलिटी पर क्यों काम नहीं किया जाता. बिफोर वी एंड दिस, इट्स अगेन अ वेरी वास्ट टॉपिक टू डिस्कस. मैं चाहूंगा अगर आप एक दो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स के दो तीन अगर आप लोगों को बता दें अपार्ट फ्रॉम द वन यू हैव ऑलरेडी रेड, ताकि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लॉ भी जरा लोगों के जहन में एजुकेशन की इम्पोर्टेंस वाजे हो सके. अच्छा, इसके अंदर देखिए एजुकेशन के तो हवाले से हमारे पास सिंपल एक ही ये राइट है, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी जो है हमारा दो चैप्टर्स हैं. एक हमारा फंडामेंटल राइट का चैप्टर है, और दूसरा हमारा प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी है, जिसमें गवर्नमेंट जो है वो चंद इकदाम की तरफ जो इशारे करती है कि हम ये सारे काम जो है वो करेंगे, जिसमें है इस्लामिक वे ऑफ लाइफ, जहाँ पे ये कहा गया कि टू मेक द टीचिंग ऑफ द होली कुरान एंड इस्लामियात कंपल्सरी, to encourage and facilitate the learning of Arabic language and to secure correct and exact printing and publishing of the Holy Quran. ये सब principle of policy है, जो कि उस तरह तो इतलाक नहीं होता, लेकिन एक government का एक समझ लें एक promissory note है, जिसमें उसने कुछ promises जो हैं वो लिखे हैं जो वो लोगों के साथ करेंगे, लेकिन unfortunately जिस तरह बाकी का constitution हमारे यहाँ नहीं होता अमल पैरा. इसी तरह खवातीन के हवाले से, खवातीन की तालीम, खवातीन की काम करने के हवाले से भी इसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि आर्टिकल 34 है, फुल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन नेशनल लाइफ. स्टेप शैल बी टेकन टू इंश्योर फुल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन ऑल स्फीयर्स ऑफ नेशनल लाइफ, व्हिच इंक्लूड्स एकेडमिक एज वेल एज इन द फील्ड. और इसी तरह से इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबींग, जिसमें एजुकेशन का राइट टू फूड, हाउसिंग, क्लोथिंग, ये मैं बल्कि पढ़ के सुना देती हूँ. आर्टिकल 38 का सेक्शन डी है, provide basic necessities of life such as food, clothing, housing, education and medical relief for all citizens irrespective of sex, caste, creed or race. So ye hamari government jo hai, again is tarah se hum pehle discuss kar rahe the ki baghair kisi tahaffuzat ke, baghair kisi sex, caste, creed ya kisi aapke gender ke ya aapke किस फिक्र मकतः फिक्र से ताल्लुक रखते हैं, उस सबको परे रखते हुए, उस सबको कटाए नज़र, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको एजुकेशन, क्लोथिंग और हाउसिंग और मेडिकल रिलीफ आपको देगी हर बंदे को जिसको एब्सोल्युटली. असल में रीजन ये था मेरा आपसे ये पढ़वाने का, क्योंकि ताकि जाहिर सी बात है लोगों को थोड़ा सा पता भी चले ना, हमारे लोगों को लॉ पता नहीं होता है, तो एटलीस्ट थोड़ी सी नॉलेज हमारे यहाँ आवाम को होनी चाहिए कि आपके यहाँ लॉ भी ये कहता है. बात करना बहुत आसान है, बट विद द रेफरेंसेस यू हैव प्रोवाइडेड आई एम श्योर दैट वी विल डेफिनेटली लर्न अ लॉट. मैम जबरिया, बिफोर वी एंड, आखिर में इम्पॉर्टेंट तरीन मैसेज क्या देना चाहेंगे एजुकेशन के हवाले से, खासतौर पर हमारे उस यूथ को जो अभी भी अपना पूरा वक्त मोबाइल के साथ गुजारती जरूर है,
लेकिन वो किस हद तक गुजारती है वो आप भी जानती हैं, वो हम भी जानते हैं. क्या कहेंगे उनको ये जगह, ये बताने के लिए कम अज कम कि भाई मोबाइल बहुत कुछ दे सकता है. आप, मैं तो ये कहूंगी कि देखिए, अब आपके हाथ में एक ऐसा टूल है कि जिससे आप अपने लिए जन्नत भी खरीद सकते हैं और दोजख भी. जिस ये ऐसा टूल है कि जिससे आप बहुत सारे बच्चों को तालीम दे भी सकते हैं, बहुत सारा कुछ अपने अपने जो जो चीज़ें आप अपना दिमाग खोल भी सकते हैं. ये ऐसा टूल है जो आप दिमाग बंद करने के लिए नहीं इस्तेमाल करें, ट्रोलिंग के लिए ना इस्तेमाल करें, लोगों को गालियाँ देना, लोगों को बुरा भला कहने के लिए इस्तेमाल ना करें. इससे आप अपने आप को अवेयर करें, दूसरों को दूसरों तक अवेयरनेस पहुंचाएं और अच्छी बात पहुंचाएं. अगर कोई अच्छी बात नहीं पहुंचा सकते तो भैया ये कीबोर्ड के और भी बहुत सारे इस्तेमाल हैं, उनको रहने दीजिए, अपनी आखिरत से संवारिए और अपने अल्फाज का चुनाव जो है और अपने जो लफ्ज टाइप करें उसको चुनाव बहुत ही ध्यान से और मेरा ख्याल है कि अपने ऊपर रखते हुए सोच के उसको करें और उसका बहुत ध्यान रखें कि आपके जबान से लफ्ज क्या निकल रहे हैं. So nice of you, और it's been again a pleasure talking to you. और right to education पर बात बहुत हो सकती है people, लेकिन बात वही है कि अगर इस गुफ्तगू से ही कम से कम ये हम नतीजा अखज करने में कामयाब हो जाते हैं कि वाकई हमें तालीम हासिल करनी भी है और हमने अपना किरदार भी अदा करना है बहैसियत इनफरादी और बहैसियत इज्तमाई, कि हम इस कौम को तालीमी याफ्ता कैसे बना सकते हैं. हम इस कौम को अगर शऊर आगाही इल्म की दौलत देने में कामयाब हो गए, भले वो ये एक प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, यकीन करें हम कम से कम कुछ कर्ज जरूर अदा कर सकते हैं. अपना और अपने गुलदरबाग के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा. मुझे और मैम जबेरिया को अपनी दुआओं का किसी कदर हिस्सा जरूर बनाइएगा. जिंदगी ने वफा की और हालात साजगार रहे तो आपसे बहुत जल्द किसी और वीडियो में किसी और जबरदस्त टॉपिक के साथ मुलाकात होगी. कीप ट्यून इन टू दिस सीरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स बिकॉज वी विल बी हैविंग perhaps more interesting, wonderful topics for you. For that is it from my side. Allah Hafiz and stay curious.